यो ब्रो, आज हम बात करने वाले सड़क पर बन रहे गड्ढे के ऊपर। तो गड्ढों के स्पेशलिस्ट मिस्टर आकाश कुमार हमारे साथ है, जो हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में गड्ढे बनते कैसे हैं सड़कों पर। तो मिस्टर आकाश कुमार, जो लेबर्स के साथ खुदाई का काम करते हैं, क्या हमारे साथ एज अ गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे जानेंगे कि मतलब इतना महान काम वो कैसे कर लेते हैं। जी देखिए, सबसे पहले अपने को एक बात समझना आनी चाहिए कि शो शुरू होने के पहले एक सेल्फी निकालना चाहिए। तो आप पहले अपन एक सेल्फी निकाल रहे हैं, वो ऐसा कुत्ते वाला लुक दीजिए। ओके, तो आप शो शुरू करते हैं। जैसे खड्डों की बात हो रही है, खड्डे इज नथिंग लाइक लड़कियों का मेकअप। जैसे वो अपनी झुरिया, अपने पिंपल छुपाने के लिए मेकअप करती है, वैसे सरकार भी रोड के खड्डे छुपाने के लिए उसमें दूसरा मसाला भरती है, जो अपने को समझ नहीं आता वीडियो क्यों करते। लेकिन अपन ऐसे गड्ढों की संशोधन करते रहते हैं। जैसे किसी लड़की के चेहरे पे अगर पिंपल आ जा है तो कितने प्रकार की क्रीम लगाती है, ये आप सबको पता है। उसी तरह हम भी इस क्रीम का काम करते हैं रोड के लिए। हम रोड के खड्डे भरते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई लड़की ऐसे उल्टे मुंह ना गिरे, कोई लड़का ऐसा आड़ते मुंह ना गिरे, और उनकी शक्ल अच्छी बनी रहे। इसलिए हम ये सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं देश के लिए। क्या बात है। तो आपने देखा कितना ही महान सोच है इनकी। मतलब लड़कियों के मुंह पे जो पिंपल आता है वो इनके लिए स्पीड ब्रेकर, फिर ये मसाला लगाते हैं तो प्लेन हो जाता है, फिर अगर गड्ढा पड़ता है चेहरे पर तो रास्ते पर का गड्ढा, और फिर जो फाउंडेशन वगैरह होता है वो सीमेंट वाला मसाला। देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए लड़कियों का मेकअप और रोड बनाना एक जैसा ही है। जैसे वो मिस्त्री रोड पे प्लास्टर करता है, वैसे लड़कियां भी मेकअप करती है, और रोडों के साथ भी वही हो रही है। इतना मेकअप देख के एक आदमी डर जाता है, और उससे गाड़ी नहीं संभलती और एक्सीडेंट हो जाता है, और खड्डे उसके मेन कारण बन जाते हैं एक्सीडेंट से। वहां पे कुछ गिरता है, वहां खड्डे बनता है, वहां पानी भरता है, वहां पे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, उनके लिए स्विमिंग पूल बनता है, उनकी छुट्टियां चालू होती है, स्विमिंग पूल में कीड़े बनते हैं, मच्छर होते हैं, उससे डेंगू होता है, डेंगू से आदमी बीमार होता है। समझ में आ रहा है। और इसी कारणवश हम जैसे अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, महान लोग, त्यागी लोग, मैं तो बताऊँ पुरुष ही नहीं महापुरुष कहलाते हैं हम जैसे लोग, तब जाके देश का भला होता है। आप समझिए, अगर आप लोग ऐसी गाड़ी चलाएंगे या ऐसा मेकअप करेंगे तो हम जैसे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। आपको पता है भाई, खाना खाओगे क्या भाई? कैमरे बड़े बोर हो रहे हैं। खराब प्लीज। हाँ, तो देखिए, बहुत देर से बकवास कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद अपने रोड की सुरक्षा करें, खड्डों की सुरक्षा करें, ताकि आप लोगों की जान बचे। अच्छा, बड़े महान विचार है। जैसे इन्होंने बोला कि ये पुरुष ही नहीं है, आई डोंट नो, हो सकता है मतलब महापुरुष है। देखिए, गलत वे में मत जाइए, समझिए, भावनाओं को समझिए। देखिए, आपका मेकअप उतर रहा है, इतने बार यहाँ पे सड़क पे बनाना पड़ेगा, खड्डे भरने पड़ेंगे, आप फंस रहे, गलत बात है। क्या बात है, मतलब आप ब्यूटीशियन भी हो क्या? अरे, हमारी बीबी ब्यूटीशियन है, इसी चक्कर में हमने रोड का अच्छा, काम तो चालू किया है। प्रमोट कर रहे हो अपनी बीबी को आप। मेकअप और सीमेंट का रोड एक ही हो गया आपकी। आपका नाम क्या बताए थे? माधुरी। हमारे घर की बीबी का नाम भी माधुरी है, पर दीक्षित नाम है उनका। आपको समय लेने तो नहीं है ना? नहीं, वही बोलू मैं, इतने नसीब खराब कैसे हो गए माधुरी दीक्षित? नसीब की बात मत कीजिए, नसीब तो रोडों की खराब है, हर जगह चार गड्ढे, वहां पानी भर रहे हैं, वही लोग गिर रहे तो, इतने महान लेबर से गड्ढा भरने के लिए इतने महान लोगों को अगर लाएंगे, नसीब तो थोड़ा खराब हो ही जाएगा। वो तो होना ही है भैया, जब उनके जीवन में पत्नियां हो तो नसीब तो हम लोगों का खराब होना ही है ना। आपको क्या लगता है, हम कई उधर बातें कर रहे हैं, हम सही सही बातें कर रहे हैं? नसीब खराब तो आपकी मम्मा का था, जो पापा से शादी हो गई, और आप प्रोडक्ट ऐसा निकला भयंकर तो क्या कि हुआ? उनको मुआवजा मिलना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट। तुमको पता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आपको पता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो होता है वो आगे जाके राहुल गांधी बनते हैं, ऐसा बोलना तो नहीं चाहते ना। देखिए, इसी साथ ये शो मैं अपनी आगमन का समय जैसा था वैसे जाने का समय हो चुका है, और मैं ये डिबेट हार जाता हूँ। धन्यवाद। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा बनना चाहूंगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे गेस्ट,
सुपर डुपर हिट पर्सनालिटी है ये, बहुत ही फेमस। गड्ढे तो ऐसे करते हैं जिससे मक्खन भरते। मिस्टर आकाश कुमार धन्यवाद यहाँ आने के लिए, आपके लिए खड़ा है। फोटो ले ले जाते जाते एक बार। एक मिनट ले ही लेते हैं। धन्यवाद।